उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने गुरुवार को सर्किट हाउस सभागार में G20 की तैयारियों की समीक्षा के दौरान कार्यों को समय से पूरा करने हेतु संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहर में बिना जिलाधिकारी के परमिशन के कोई भी विभाग सड़क की खुदाई नहीं करेगा। नगर विकास मंत्री ने कहा कि शहर में पोल पर बचे तारों को हटाया जाए तथा जगह जगह रखे गए ट्रांसफार्मर को भी सुंदर रूप दिया जाए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को पेंट हो चुके डिवाइडर की धुलाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने आगे कहा कि भवनों, फ्लाईओवरों एवं मार्गों के दोनों तरफ के बाउंड्री वॉल पर फसाट व थीम पेंटिंग का कार्य, भवनों की पेंटिंग का कार्य समय से पूरा हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि G20 के जो अधूरे कार्य बचे हैं उसे समय से पूर्ण कराएं, शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाएं जिससे कि पूरे शहर में उत्सव जैसा माहौल दिखे। नगर विकास मंत्री ने व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं प्राइवेट बिल्डिंग पर लाइटिंग के लिए जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेने का निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को दिया। प्रमुख सचिव नगर विकास ने नमो घाट के उस पार भी लाइटिंग आदि सजावट कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि जिस विभाग की जो भी प्रॉपर्टी है, जैसे जलकल की पानी की टंकी, स्वास्थ्य विभाग के अस्पताल, विद्युत विभाग के ट्रांसफार्मर, सबको सूचित करा लिया जाए। उन्होंने विकास प्राधिकरण द्वारा कराई गई पेंटिंग को चिन्हित कराकर पुनः कराए जाने का निर्देश भी दिया। पुलिस आयुक्त अशोक मुथा जैन ने सभी कार्यक्रम स्थल पर पुलिस संबंधित सारी व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से बताया। जिलाधिकारी एस राजडिंगम ने बैठक के दौरान बताया कि बुधवार को रात्रि में निरीक्षण के दौरान नगर विकास मंत्री द्वारा जो भी निर्देश दिए गए थे वहां रात्रि से ही कार्य प्रारंभ हो चुका है। उन्होंने आगे बताया कि प्राइवेट बिल्डिंग में सजावट के लिए व्यापारिक संगठनों, मेडिकल एसोसिएशन, लॉयंस क्लब आदि से मीटिंग कर ली गई है। सभी के सहयोग से पूरे शहर को भव्य रूप दिया जाएगा। बैठक में महापौर अशोक तिवारी, विधायक सरोज श्रीवास्तव, विधायक अवधेश सिंह, नगर आयुक्त शिपू गिरी, विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक दुवल तथा संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे। आगामी 12 तारीख को G20 की मीटिंग होने वाली है, उसकी तैयारियों को मैं देखूं और उसके बारे में जो भी कमियां हैं, क्षतियां हैं, उनको दूर किया जाए और कैसे हम भव्य और दिव्य काशी को और भी कैसे अलौकिक करके हम विश्व को इसका दर्शन करावें, वो मेरे मन में था। कल आने के साथ ही मैंने अधिकारियों से और जनप्रतिनिधिगण से सबसे बातचीत किया, चर्चा किया। उसके बाद हम कई स्थानों का स्थलीय निरीक्षण भी करने गए, गंगा किनारे भी गए थे और G20 के महानुभावों के लिए जो रूट निर्धारित हुआ है उस पूरे रूट पर काफ़ी डिटेल, काफ़ी देर तक हम लोगों ने देखा कहाँ कहाँ और बेहतर करने की आवश्यकता है और बेहतर काम होने की आवश्यकता है, वो सब देख करके स्थल पर ही अधिकारियों को सूचनाएँ दी गई। उसके बाद अधिकारियों के साथ कुछ चीज़ें जो मैन पावर और मशीन दोनों ही मुझे लगता है कि बनारस में थोड़ा ला करके और मदद करने की आवश्यकता है, तो उसके लिए भी हमारे विभाग के अधिकारी लोग पूरी रात जाग करके कहाँ से ज़्यादा मनुष्य आदमी मंगाए जाएँ काम करने वाले और मशीनें मंगाई जाएँ, जैसे पौधों को पानी देने की मशीन या रोड पर सफाई करने की मशीन, ये सारी इस तरह की जो व्यवस्थाएँ हैं उसको हम लोग अन्य महानगरों से, नगर पालिकाओं से भी मंगा करके यहाँ की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं।